हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी रेसिपी इंस्टेंट नारियल की बर्फी यानी कि कोकोनट बर्फी। ये हम इंस्टेंट बनाने वाले हैं, मात्र 10 मिनट में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई दूध उबलने की झंझट भी नहीं है और इंस्टेंट बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और आप देख सकते हैं कितना देखने में स्वादिष्ट लग रही है और खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ऐसी नई नई रेसिपी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बाजू में लगे इस बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर हमने कोकोनट बर्फी बनाने के लिए एक पैन गैस पर रख दिया है। तो यहाँ पर हम कोई भी या कटोरी या कप सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की स्टील की कटोरी सेट कर ली है। तो उस कटोरी से हम एक कटोरी दूध ले लेंगे। तो हम सारा नाप इसी कटोरी से लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी दूध लिया है। तो आधा कटोरी हम चीनी ऐड करेंगे। इस तरह से कोई एक कटोरी या कप सेट कर ले, उसी से हमें सारा मेजरमेंट लेना है। अब उसके बाद इसमें हम 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। अब इसे हम अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे और इसे हमें लगातार चलाते हुए, जब तक हमारी शक्कर पिघल नहीं जाती तब तक इसे हमें चलाते रहना है। ये कोकोनट बर्फी हम इंस्टेंट बनाने वाले हैं। तो ये हमारी बर्फी सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है क्योंकि ये हम मिल्क पाउडर से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जिस कटोरी से हमने नाप लिया था उसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी मिल्क पाउडर ले लिया है। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर हमें एक साथ नहीं मिल्क पाउडर ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाना है। तो अब हमारा थोड़ा सा मिक्स हो चुका है तो अब और मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कुल 2 कटोरी मिल्क पाउडर ले लिया है। यह हमारी बर्फी सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी उतनी टेस्टी लगती है जितनी बाजार से हम लाते हैं वैसी ही बनती है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अब हमारा सारा मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है दूध में और एकदम मावा जैसा हो गया है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दूध में केसर को घोल कर रख दिया था तो वो ऐड कर देंगे। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ही ऐड करें वरना आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप कोई फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं उसे कलरफुल बनाने के लिए। अब इसे हम जब तक हमारा दूध चल ना जाए तब तक इसे हमें चलाते रहना है। तब हमारा मिश्रण पैन छोड़ने लगा है तो इसी तरह का हमारा मावा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह का हमें रखना है। तब इसमें हम जिस कटोरी से नाप लिया था उसी कटोरी से हम 1 कटोरी फ्रेश कोकोनट का बुरादा ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर नारियल पाउडर ऐड करने के बाद गैस की आंच को बंद कर देना है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा कोकोनट पाउडर और मावा अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हमें ग्रीस की हुई थाली में ऐड कर देना है। तो इसे पहले हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ताकि हमारे पीसेस बहुत बढ़िया तरीके से बाहर आ जाए। तो इसे हम थोड़ा सा इस तरह से चला लेंगे। अब हमारा मिश्रण ठंडा होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तब हम एक ग्रीस की हुई थाली में इसे ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थाली को घी से ग्रीस कर लिया है तो उसमें हम अपना मिश्रण ऐड कर देंगे और इसे हम स्पेचुला की मदद से अच्छा शेप दे देंगे। आप चाहे उस तरह का शेप दे सकते हैं, यहाँ पर मैं स्क्वेयर शेप में बना रही हूँ। तो इस तरह से हम स्पेचुला की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे और इस तरह से हाथों की मदद से इसका शेप बना लेंगे। अब इसे हम शेप देने के बाद ऊपर से हम ड्राई कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो काजू बादाम की कतरन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कोकोनट पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब उसे हम चम्मच की मदद से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से वह चिपक जाए। तो इस तरह से हम फैला देंगे। अब इस मिश्रण को हम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद इसके पीसीस बना लेंगे।
तो यहां पर हमारा मिश्रण ठंडा हो चुका है, तो इसके हम पीसेस बना लेंगे। आपके जितने की साइज की पसंद हो उसी हिसाब से आप बना सकते हैं, छोटे या बड़े। यहां पर मैं इस तरह से मीडियम साइज के बना रही हूं, तो इसके हम पीसेस तैयार कर लेंगे। ये नारियल की बर्फी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इस रेसिपी को आप इस तरीके से जरूर बनाएं, और वीडियो कैसा लगा तो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब हमारी कोकोनट बर्फी बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जितनी देखा में सुंदर लग रही उतनी खाने में टेस्टी लगती है, तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। और अब वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलेगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके मेरी रेसिपी कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर और भी फराली रेसिपी देख सकते हैं और उपवास स्पेशल रेसिपी देख सकते हैं, तो आप इस रेसिपी को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।